नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है आईपीएल 2023 की एक बहुत दिलचस्प वीडियो में लेकर आया हूं। 10 टीमों के वो 20 खिलाड़ी जो मैच विनर बनेंगे इस बारी। जी हां, हर टीम के वो दो दो खिलाड़ी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो सबसे बड़े मैच विनर बनेंगे अपनी टीम की तरफ से, और जिनके ऊपर नजर रहेगी, जिनके प्रदर्शन के ऊपर नजर रहेगी, और जो अपनी टीम के लिए सबसे बड़े एक्सपेक्टर साबित होंगे उनके प्रदर्शन पर उनकी टीमों की भी नजर रहने वाली है। तो उन 20 खिलाड़ियों का जिक्र, क्योंकि 10 टीमें हैं, दो दो खिलाड़ी हर टीम से मैं बताऊंगा, तो कुल मिलाकर 20 खिलाड़ी हो गए। तो उन 20 खिलाड़ियों का जिक्र अपनी इस वीडियो में करने वाला हूं मैं, जिन 20 खिलाड़ियों के ऊपर नजर रहने वाली है और अपनी टीम के लिए वो खिलाड़ी मैच विनर साबित होने वाले हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सारी टीमों के बारे में बताऊंगा। एमआई के बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूं। एमआई, देखिए एमआई में खिलाड़ी बहुत हैं, रोहित शर्मा, ईशान किशन है, लेकिन जो सबसे बड़े मैच विनर मुझे दो खिलाड़ी लग रहे हैं जिनके इर्द गिर्द घूमेगा, वो सूर्य कुमार यादव और जोफ्रा आर्चर। मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर, ये दोनों अपनी टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित होंगे, और इन दोनों का प्रदर्शन कहीं ना कहीं मुंबई के लिए बहुत अहम होने वाला है। सूर्य कुमार यादव और जोफ्रा आर्चर, ये मुंबई के लिए दोनों सबसे अहम होने वाले हैं। उसके बाद में सीएसके, ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा, इन दोनों का प्रदर्शन भी सीएसके के लिए बहुत अहम होने वाला है। ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, ये दोनों सीएसके के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित होने वाले हैं आईपीएल 2023 में, ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। आप लोगों का क्या मानना है सभी टीमों को लेकर, कौन से दो खिलाड़ी आपको लगता है कि वो मैच विनर होंगे, आप भी बताते रहिएगा। उसके बाद में एसआरएच के लिए हैरी ब्रुक्स और उमरान मलिक। मेरा ऐसा मानना है कि हैरी ब्रुक्स, क्योंकि बल्ले से मेरे भाई कमाल कर रहे हैं, तूफान मचा रहे हैं, और उसके बाद में गेंदबाजी से मुझे ऐसा लगता है कि उमरान मलिक इस बार कुछ अलग हटके कुछ करने वाले हैं, रफ्तार उनके काम आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये दो खिलाड़ी इस बार आईपीएल 2023 में अपनी टीमों के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं, हैरी ब्रुक्स और उमरान मलिक। उसके बाद में पंजाब के लिए शिखर धवन और सैम करन। मेरा ऐसा मानना है पंजाब के लिए इस बार जो दो खिलाड़ी होने वाले हैं सबसे बड़े मैच विनर, वो शिखर धवन और सैम करन होने वाले हैं। ये दोनों खिलाड़ियों के ऊपर हर किसी की नजर रहेगी। शिखर धवन हर बार 400-500 रन बनाते हैं, हर बार आईपीएल में शिखर धवन 400-500 रन बनाते हैं, और उसके बाद में अगर ऐसा ऑलराउंडर मिल जाए सैम करन जैसा जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सके, तो जाहिर तौर पर टीम जो है एक अलग कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऑलराउंडर के तौर पर सैम करन का इस बार पंजाब में बहुत अहम किरदार होने वाला है, और कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर शिखर धवन। तो इसीलिए पंजाब के लिए ये दो खिलाड़ी सबसे बड़े मैच विनर साबित होने वाले हैं। आरसीबी के लिए विराट कोहली और मोहम्मद सिराज। हाँ, मैं ना मैक्सवेल का नाम लूंगा, ना मैं डुप्लेसिस का नाम लूंगा, ना मैं दिनेश कार्तिक का नाम लूंगा, क्योंकि विराट कोहली बल्ले के साथ और मोहम्मद सिराज गेंद के साथ, सिराज का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज कर रहे हैं, कमाल की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसीलिए इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर बहुत निर्भर करेगा, इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन जैसा रहेगा आरसीबी उतनी ही आगे तक जाएगी, और आरसीबी के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं विराट कोहली और मोहम्मद सिराज, ये दोनों खिलाड़ी। उसके बाद में डीसी के लिए पृथ्वी शो और अक्षर पटेल। पृथ्वी शो का इस बार बल्ले से चलना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, और पृथ्वी शो का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ऊपरी क्रम पर डेविड वॉर्नर उस तरीके की फॉर्म में नहीं है। पृथ्वी शो और अक्षर पटेल, ये दोनों खिलाड़ी इस बार दिल्ली कैपिटल के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर होने वाले हैं, सबसे बड़े मैच विनर होने वाले हैं, और इसीलिए दिल्ली कैपिटल को इन दोनों खिलाड़ियों की बेहतर फॉर्म और फिटनेस की बहुत सख्त जरूरत है, और दिल्ली के लिए पृथ्वी शो अक्षर पटेल वो काम करने वाले हैं। उसके बाद में राजस्थान के लिए जॉस बटलर और संजू सैमसन। हालांकि मैंने इसमें गेंदबाजों को नहीं रखा है, गेंदबाजी के तौर पर अश्विन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस श्रेणी में रखे जाने चाहिए, लेकिन संजू सैमसन कप्तान के तौर पर और बल्लेबाज के तौर पर जिस नंबर पर आते हैं, और जॉस बटलर तो खैर आप लोगों को पता ही है ऊपरी क्रम पर जिस तरीके का प्रदर्शन करने वाले हैं, तो बेहतर कमाल राजस्थान के लिए। यहां पर आप राजस्थान वालों अश्विन को रख सकते हो। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंट बोल्ट को भी यहां पर रखा जा सकता है, वो भी मैच विनर खिलाड़ी हैं राजस्थान की तरफ से। उसके बाद में लखनऊ के लिए केएल राहुल और निकोलस पूरन। जी हां, केएल राहुल का बल्ला हालांकि टीम इंडिया में नहीं चला है, वो आईपीएल के प्लेयर माने जा रहे हैं, आईपीएल के बारे में लगातार बातें की जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल 2023 में केएल राहुल का बल्ला दोबारा चलेगा, और केएल राहुल अपनी टीम के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर और मैच विनर साबित हो सकते हैं। उसके बाद में निकोलस पूरन, मुझे ऐसा लगता है कि यार निकोलस पूरन जो है ना, वो एक 2023 में एक अलग अंदाज में खेलेंगे, 2022 में उनका बल्ला नहीं चला, अपनी टीम
टीम में जाकर वो कप्तान के तौर पर कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन 2023 वो प्लेटफॉर्म है उनको मिला है लखनऊ में, जिस प्लेटफॉर्म में जाकर वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निकोलस पूरन का बल्ला इस बार चलने वाला है 2023 में, कमाल करने वाले हैं निकोलस पूरन भी। उसके बाद में आते हैं गुजरात। गुजरात के लिए जो दो प्लेयर होंगे सबसे बड़े मैच विनर जिनके ऊपर नजर होगी वो है हार्दिक पांड्या और राशिद खान। जी हाँ, हार्दिक पांड्या पिछली बार भी मैच विनर साबित हुए थे, राशिद खान ने पिछली बार भी कई सारे मैचेज अपने बल्ले से और गेंद से जिताए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या और राशिद खान ये दो वो खिलाड़ी होंगे गुजरात की टीम के जो सबसे बड़े मैच विनर साबित होंगे आईपीएल 2023 में, जिनके ऊपर नजर रहने वाली है गुजरात की भी और क्रिकेट फैंस की भी जिनके ऊपर नजर रहने वाली है। उसके बाद में केकेआर के लिए देखिए बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों का मैं नाम ले सकता हूं, जगदीशन का ले लीजिए, गुरबाज का नाम ले लीजिए, नीतीश राणा का नाम ले लीजिए, रिंकू सिंह का नाम ले लीजिए, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो केकेआर के लिए दो सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी साबित होंगे वो है श्रेयस अय्यर और आंद्रे रसल। मेरा ऐसा मानना है कि श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी कैसी रहेगी ये निर्भर करेगा केकेआर कितने आगे तक जाएगी, क्योंकि जिस नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आएंगे वो नंबर बहुत क्रूशियल है, और मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी और आंद्रे रसल का निचले क्रम पर फिनिशर अंदाज ये केकेआर के लिए बहुत अहम होने वाला है और केकेआर के बहुत काम आने वाला है। इसीलिए मेरा मानना है कि केकेआर के लिए श्रेयस अय्यर और आंद्रे रसल ये दोनों बहुत अहम है और जरूरी है। तो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव, जोफ्रा आर्चर, सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, एसआरएच के लिए हैरी ब्रुक्स, उमरान मलिक, पीबीकेएस के लिए धवन और सैम करन, आरसीबी के लिए विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, डीसी के लिए पृथ्वी शो अक्षर पटेल, आरआर के लिए बटलर संजू, एलएसजी के लिए केएल राहुल पूरन, उसके बाद में जीटी के लिए हार्दिक और राशिद, और केकेआर के लिए श्रेयस अय्यर और रसल। ये दो दो खिलाड़ी वो है, मतलब 10 टीम के 20 खिलाड़ी जो अपनी अपनी टीमों के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। आपका क्या मानना है, जो आपकी पसंदीदा टीम है आपके हिसाब से आपकी टीम का सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी कौन होगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।